नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करता है, लेकिन उसे फिर भी पर्याप्त फल की प्राप्ति नहीं होती। व्यक्ति को कुछ कार्यों में सफलता मिल जाती है और कई कामों में असफलता मिलती है। आचार्य चाणक्य की नीतियों पर अमल करके इन खास सफलताओं को पाया जा सकता है, और आज की खास वीडियो में आपको इन्हीं खास नीतियों के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि समझदार और सफल व्यक्ति वही है जिसे पता होता है कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है, अभी सुख के दिन है या दुख, वहीं इसी के आधार पर वह कार्य करता है। सुख के दिनों में अच्छे कार्य करें और दुख के समय में अच्छे कामों के साथ धैर्य बनाए रखना चाहिए। दुखों के दिनों में धैर्य खोने से अनर्थ हो सकता है। जहां हम कार्य करते हैं उस स्थान, शहर और वहां के हालात के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही कार्यस्थल पर कार्य करने वाले लोग किस प्रकार के हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे तो असफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे मित्र कौन हैं और मित्रों के वेश में शत्रु कौन है। मित्रों के वेश में छुपे शत्रुओं की पहचान करना जरूरी है। यदि हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे तो हमें कार्यों में असफलता ही मिलेगी, इनमें हमें बचना होगा। हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे सच्चे मित्र कौन हैं। सच्चे मित्रों की सहायता से सफलता मिल सकती है। समझदार व्यक्ति वही है जो आय और व्यय की जानकारी रखता है। अपनी आय के अनुसार व्यय करना चाहिए। आय से अधिक खर्च करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आय से कम खर्च करने पर धन संबंधित सुख प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही धन भी संचय हो गया है। व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर आप कार्य करते हैं वहां का प्रबंधक, कंपनी, संस्थान या बॉस हमसे क्या चाहते हैं। उसी प्रकार कार्य करने से संस्थान को लाभ मिलता है, और यदि संस्थान को लाभ होगा तो कर्मचारी को लाभ मिलने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।